कल शाम को कल शाम आप अपनी बात कहने आई है ना, मैंने बात अपनी सुन ली है, जिस भी अधिकारी से संबंधित है मैं बात करता हूँ उससे। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ पे? अरे एक साल होता पहले कॉलोनी में ऐसा नहीं रहता था, अब बाहरी लड़का भी आके उधर पीछे के साइड में गांजा ताजा सब पीता है, ये सब के लिए ना सामान चोरी होता है। हम लोग पानी के समस्या से आए हैं और रोड पे इतना पानी लगता है कि हम लोगों को घर से कोई ड्यूटी जाने के लिए और बच्चे के स्कूल भेजने के लिए हम लोग को ईंटा लगा के जाना पड़ता है। हर साल ये चीज़ होता है, जब भी होता है हम लोग बोलते हैं तो बोला जाता है इस बार आपका रोड बन जाएगा, इस बार पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी कोई देखने तक नहीं जाते हैं। जो भी लोग सर अधिकारी जाते हैं जब आगे के कॉलोनी से चले जाते हैं पीछे की तरफ कोई आके देखता ही नहीं है। किस कॉलोनी की समस्या है? गंडा कॉलोनी की। पानी हर जगह जमता है लेकिन पीछे के कॉलोनी में इतना ज़्यादा गंदगी और पानी हर चीज़ का समस्या है। क्वार्टर में रहते हैं हम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है, लोग रनिंग स्टाफ हैं उन लोगों को ड्यूटी जाने में दिक्कत है, सब पानी रहेगा तभी तो कोई तैयार होकर टाइम से जाएगा। हम लोग को सिर्फ ये कह देने से कि इनके आप लोग इनको टेंशन नहीं दीजिए, ड्यूटी जाना है इन लोगों को, आप लोग परिवार में कैसे बना के रखेंगे जब खाना ही टाइम पे हम नहीं देंगे तो हम लोगों से लड़ाई होगी ना। कितने दिनों से समस्या आई है? हम लोगों को 3-4 महीने से है, पर ये समस्या गर्मी में बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। हमेशा तसल्ली देने से काम नहीं चलता है, पानी चाहिए, पानी से पानी के बिना कुछ नहीं होगा। निशा भारती। हम लोग आज पानी के लिए मुद्दे के लेके आए हैं डीआरएम सर से मिलने के लिए। हम लोग 3 महीना से बहुत हम लोग पानी की हम लोग को बहुत समस्या हो रही है, जिसके कारण टाइम से हस्बैंड को ड्यूटी में नहीं भेज सक रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे हैं। पहले 4 टाइम पानी चलती थी, अभी 1 टाइम के लिए हम लोग को देखना पड़ा नल पे जाके कि 1 बूंद भी निकलेगा। बताए क्या कुछ तो इसको लेकर कि आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत बहुत बार की गई है लेकिन कोई समस्या नहीं हुआ है। हमेशा बोला गया है कि मोटर चेंज हो रहा है, मोटर भी चेंज हुआ है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। हम लोग को ये सब नहीं देखना है कि क्या चेंज हो रहा है, हम लोग 3 महीने के ऊपर से है ये समस्या। देखिए नाला टूटा हुआ है, गेट में डेरा बना है वो टूट गया है, उसमें बाहर अठी आदमी आता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है। हम पूछते कहाँ जा रहे हो तो कहेगा कहाँ सरकारी दे रहा है, हम गांजा पीने जा रहे हैं। सब बैठ के करता है, जिसके कारण चप्पल जूता चोरी, साइकिल चोरी हो जाता है, वो सब लोग आते रहता है, चप्पल जूता चाली हो जाता है। जानवर एकदम मतलब लगता नहीं कि डेरा में कोई चीज अथी नहीं है। जब साइकिल थोड़ा रखा है साइकिल पार हो जाता है, मोटरसाइकिल रखा है मोटरसाइकिल लेके चला जाता है, चप्पल जूता लेके उठा के भाग जाता है, बच्चे का जूता देते हैं सूखने के लिए वही लेके भाग जाता है। ये सब गंदा को ये नहीं है, ये सब का बाउंड्री उधर तोड़ दिया है सब। हाँ हाँ 5 एप्लीकेशन दिए हैं, 5 एप्लीकेशन दिए हुए हैं, ज्वाइंट एप्लीकेशन भी दिए हैं। बाहरी लड़का आके गांजा आदमी पीता है। यह तो सबसे बड़ा अभी पानी का है, पानी के बिना हम लोग को जीना वहाँ पे मुश्किल हो गया है। और 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, 3-4 महीने से हम लोग वही झेल रहे हैं। अगर मान लीजिए पानी ही नहीं रहेगा तो समय से कोई कौन काम होगा, कोई भी काम नहीं होगा। अब प्लस पहले कॉलोनी में ऐसा नहीं रहता था, अब बाहरी लड़का भी आके उधर पीछे के साइड में गांजा ताजा सब पीता है, ये सब के लिए ना सामान चोरी होता है, सबके लिए तो सुरक्षा चाहिए ही ना। कोई घटना हो जाएगी तब होगा ऐसा। इसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, कहाँ कोई कार्रवाई हो रही। हम लोग बोलते हैं और शान से लड़का सब बोलता है, हम लोग आते हैं जुआ थी गांजा पीने के लिए, तो हम लोग को कौन सुनवाई करेगा? एप्लीकेशन हम सब मिल के दिए हुए थे, नहीं सुनवाई हुआ तब हम लोगों को आना पड़ा है। लक्ष्मी बताइए क्यों अधिकारी क्या गायब है, कर्मचारी क्या कुत्ता नहीं आता है, कुत्ता मर जाता है कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। हम लोग अपना पैसा 100 रुपया खर्च करवा के फेंकवाते हैं। सफाई वाले जाते हैं ना? जाते हैं तो कोई बोलता नहीं करेंगे, पैसा देंगे तो करेंगे, क्या बोलता है? पैसा देते हैं तो करता है।
बोरे साफ कर दो, पैसा दो तो साफ नहीं जाती है, नहीं जाती है। क्यों जाएगी पुलिस? अधिकारी लोग के बंगला में जाती है।